इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर के अंदर देखो क्या इसमें बताया गया है कि हमने ये चीज़ कंडक्टर में भी की थी, और आपको याद होगा कि किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सारी टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन अब हम किसके लिए करने जा रहे हैं? सेमीकंडक्टर के लिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, आपने एक डायग्राम बनाना है, ये सेमीकंडक्टर की बनी हुई वायर है इमेजिन करें, और यहाँ बैटरी कनेक्टेड है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जब करंट दौड़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होगा, उसमें होल करंट भी होगा, और इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा विद द वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट VE, और होल जो है मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट विच इज VH, और करंट की वैल्यू होगी। तो पहली चीज, बैटरी ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया E, कितनी लेंथ में लगाया L, तो आप क्या लगा सकते हो, E इज इक्वल टू वी बाई एल, तो डी वी बाई डी आर, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और कितनी लेंथ में L, तो E इज इक्वल टू वी बाई एल। पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, एक क्वेश्चन है संभाल के रखो। नेक्स्ट पॉइंट है, टोटल करंट सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड होल करंट, तो आई ई प्लस आई एच, तो ये टॉपिक भी क्लियर है, ये भी पॉइंट क्लियर है, आई इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। नेक्स्ट है, अब वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट जो होती है वो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट इज इक्वल टू आई अपॉन एन ए ई, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट की वैल्यू आ गई, ये करंट की वैल्यू आ गई, तो इलेक्ट्रॉन के करंट की वैल्यू आ गई। ऐसे होल के लिए लिख लेना ये एन एच, और ये वी एच कर लेना ये आई एच हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया और साथ में होल करंट भी हो गया, और जो टोटल करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट, इन दोनों को ऐड कर दिया, ई और ए कॉमन आ गया, ये टोटल करंट आ गया। टोटल करंट में से ए की वैल्यू को इसके नीचे ले आए तो आई बाय ए की वैल्यू आ गई, करंट और ए की रेशियो आ गई, इसको संभाल के रखो। अब मेरे को ये पता है इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टेंस क्या होती थी, रो एल बाय ए, तो आर रो क्या होता है, आर ए बाय एल। अब मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 5 है जो रो की वैल्यू दे रहा है, और एक इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास थोड़ी देर पहले जो निकाली थी, जो मेरे पास ई की वैल्यू दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, फिफ्थ इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर लेता हूँ, या फर्स्ट को फिफ्थ से डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती, ई इज इक्वल टू वी बाई एल, और ये इक्वेशन क्या है, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। एल से एल क्या हो गया, कैंसल, तो क्या आ गया, वी बाई आर ए, वी बाई आर क्या होता है, करंट आई, तो मेरे पास क्या आ गया, E बाय रो की रेशो I बाय A। इसे संभाल के रखते हैं, मेरे पास थोड़ी देर पहले अभी हमने क्या निकाला था, ये वैल्यू निकाली थी, तो I बाय A की रेशो हमने क्या निकाल ली, I बाय A की रेशो E बाय रो, तो I बाय A की जगह क्या पुट कर दिया, E बाय रो, तो ये क्या आ गया, E बाय रो की रेशो आ गई। अब लास्ट स्टेप है, अब लास्ट स्टेप में एक टर्म की थी इलेक्ट्रिसिटी में जिसको मोबिलिटी बोलते हैं, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट बाय ई, और होल का क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट बाय ई, तो यहां से वी ई क्या आएगा, म्यू ई इंटू ई, और यहां से म्यू एच क्या आएगा, म्यू एच इंटू ई। तो तुम इस वी ई और वी एच की वैल्यू को ऊपर इक्वेशन में पुट कर देना, तो ये मैंने पुट कर दिया, वी ई और वी एच की जगह पुट किया, तो ये टर्म आ गई, ई से ई क्या हो गया, कैंसल, और वन बाय रेजिस्टिविटी आ गई, इसका नाम है, वन बाय रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, तो वन बाय रो की जगह कंडक्टिविटी पुट कर लेना। फॉर्मूला नोट कर लो, न्यूमेरिकल में कई बार काम आ जाता है, आपको चार वैल्यूज देगा न्यूमेरिकल में, वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम देगा, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम देगा, आपको दोनों की मोबिलिटी देगा, और आपको ई का चार्ज पता होगा, यहां से क्या आएगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू। ठीक, इसे नोट कर लेना फॉर्मूला।